जय हिंद दोस्तों। दोस्तों हम लेकर के आ गए हैं संस्कृत व्याकरण का महाअभ्यास, जिसमें कि हम 120 प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण होंगे, बिल्कुल क्रम से होंगे, प्रारंभ से होंगे, बहुत ही पढ़ करके आपको आनंद आने वाला है। तो मेरा निवेदन होगा कि वीडियो को बिल्कुल क्रम से पूरा देखिएगा। आपको भी कमेंट बॉक्स में उत्तर बताना है, तैयार होइएगा। और दोस्तों हम अपनी पूरी तैयारी आपको टॉप 50 स्टडी ऐप और टॉप 50 स्टडी यूट्यूब चैनल के माध्यम से करा रहे हैं। ऐप को अभी तक डाउनलोड ना किया हो तो प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड कर लें और हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करके आप जुड़ जाएँ। दोस्तों आपके लिए हम लेकर के आ गए हैं बेस्ट कोर्स और टेस्ट सीरीज, उसके बारे में बताते हैं, फिर आगे हम चर्चा करते हैं कि संस्कृत साहित्य एवं व्याकरण की संपूर्ण तैयारी यदि आप अपनी परफेक्ट करना चाहते हैं तो हम आपके लिए लेकर के आ गए हैं टेस्ट सीरीज, जिसमें 2500 से अधिक प्रश्न हैं और केवल 129 रुपए में है। टेस्ट सीरीज आपको विशेष ऑफर के तहत अभी मिल रही है, तो देरी ना करें, तुरंत टॉप 50 स्टडी ऐप को प्ले स्टोर से आप डाउनलोड करें। डिस्क्रिप्शन में भी मैंने वीडियो के लिंक दे दी है ऐप डाउनलोड करने की। और संस्कृत साहित्य हो, व्याकरण हो, काव्यशास्त्र हो, गद्य पद्य हो, सारी तैयारी आपकी इस टेस्ट सीरीज के माध्यम से हो जाएगी। केवल 129 रुपये में आपको 2500 प्लस प्रश्न मिल रहे हैं, जानकारी यहां पर आपको दी गई है। अब आपको टेस्ट सीरीज यदि लेना हो तो ऐप डाउनलोड करने के बाद आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, और आवश्यकता नहीं समझ में आता है तो फिर आप कॉल करें, वरना व्हाट्सएप पर मैसेज ज़रूर करें। और डायरेक्ट आप हमसे बात कर सकते हैं ऐप में जाकर के चैट ऑप्शन पर। ऐप में आप स्टोर पर जाकर के टेस्ट सीरीज ले लेते हैं और कोई दिक्कत आती है तो चैट ऑप्शन में जाकर के आप मेरे से डायरेक्ट बात भी कर सकते हैं। तो तुरंत आप जाकर के ऐप पर ये टेस्ट सीरीज लें और अपनी तैयारी को मजबूत बनाएं। तो देखिए पहला प्रश्न है, संस्कृत व्याकरण के आदि वक्ता हैं। संस्कृत व्याकरण के आदि वक्ता कौन है, व्याकरण से संबंधित प्रश्न है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो आपको बता दें आदि वक्ता कहे गए हैं संस्कृत व्याकरण के ब्रह्मा जी। कौन है? ब्रह्मा। अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों, फटाक फटाक आपको कमेंट करते जाना है। दूसरा निवेदन मेरा होगा कि वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। और दोस्तों यदि पूरे आप 500 प्रश्न चाहते हैं कि हाँ पढ़ने को मिले तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। कई लोग बोले सर ये प्रश्नोत्तर है, हमें व्याकरण पूरी पढ़नी है ट्रिक से, तो आप हमारी प्लेलिस्ट पर जाइए और संस्कृत व्याकरण ट्रिक प्लेलिस्ट देखेंगे। उसमें आपको पूरी व्याकरण, संधि, समास, उपसर्ग प्रत्यय, शब्द रूप, धातु रूप सारे ट्रिक के साथ मिलेंगे, वो भी बिल्कुल फ्री। चलिए आगे देखें, ब्रह्मा से व्याकरण शास्त्र की शिक्षा ग्रहण करने वाले हैं। किसने ब्रह्मा जी से व्याकरण शास्त्र की शिक्षा ग्रहण की थी, जल्दी से बता दीजिए। तो वह की थी ब्रह्मा जी से, कंफ्यूज नहीं होना, कई बार उसमें लोग पाणिनी लगाए आते हैं, गलती कर देते हैं, नहीं ये बृहस्पति ने की थी। ठीक है, पूरा क्रम बिल्कुल शुरू से व्याकरण पढ़ रहे हैं अपन, समझ लेना इन प्रश्नों में, और पूरी हम कंप्लीट कर देंगे। जिनने ये पढ़ लिया उसके 30 नंबर का यदि संस्कृत तो 30 में से 30 आएंगे, 60 नंबर किए तो 60 में से 60 आएंगे, जितने भी नंबर की आपकी संस्कृत होगी पूरे में से पूरे नंबर। बृहस्पति से व्याकरण की शिक्षा ग्रहण करने वाले हैं। अब देखो सबसे पहले ब्रह्मा जी से किसने की, बृहस्पति जी ने। अब बृहस्पति से किसने की थी वो बताना है, तो आपको बता दें बृहस्पति से की इंद्र ने। पूरा क्रम एक नंबर पक्का हो रहा है। ठीक है, आगे देखें, इंद्र ने की थी। अब देखें एक क्रम आपको पता चल गया पूरा, ब्रह्मा जी ने की, ब्रह्मा जी से बृहस्पति ने, और बृहस्पति से किसने, इंद्र ने। आगे देखें, व्याकरण संप्रदायों की संख्या है, इसमें सब प्रश्न आएंगे, संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय क्रम से आएंगे, लेकिन पूरा हमने बिल्कुल सार लिया है आपका, पूरी व्याकरण आपको पढ़नी है तो इन वीडियो को एक भी मिस मत करना दोस्तों, डेली आपको मिलेंगे। और डेली लगभग सुबह आपको प्रतिदिन 8:30 बजे हमारी लाइव क्लास मिलती है, एक क्रम चलेगा। तो व्याकरण संप्रदायों की संख्या कितनी है, जल्दी से बता दीजिए दोस्तों, कितनी है व्याकरण संप्रदायों की संख्या, तो वह है 8। चलिए फटाफट लेते हैं। वर्तमान समय में संस्कृत व्याकरण का प्रतिनिधि ग्रंथ है, सबसे मूल ग्रंथ कौन सा है वर्तमान में संस्कृत व्याकरण का, तो आपको बता दें प्रतिनिधि ग्रंथ है अष्टाध्यायी। इसके रचयिता कौन है ये भी पूछा जाता है, तो इसके हैं पाणिनि। दो प्रश्न इससे बनते, और तीसरा प्रश्न इसमें से बनता है कि अष्टाध्यायी में कौन सा समास है, तो 8 अध्यायों का समूह उसको बोलते हैं अष्टाध्यायी, इसमें द्विगु समास है। ये 3 प्रश्न से याद रख लीजिएगा, ऐसे एक एक प्रश्न में हम दो दो तीन तीन प्रश्न आपके कंप्लीट कराते जाएंगे, बस आपको जुड़े रहना है और पूरे वीडियो क्रम से देखना है। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं दोस्तों, अष्टाध्यायी का पर्याय है। ठीक है, अष्टाध्यायी का पर्याय जल्दी से बता दीजिए, तो अष्टाध्यायी का जो पर्याय रूप ग्रंथ है वह शब्दानुशासन। क्या है? शब्दानुशासन, याद रखिएगा। आगे
अष्टाध्यायी के रचनाकार हैं। अभी हमने बताया था कि अष्टाध्यायी संस्कृत व्याकरण का सबसे मूल ग्रंथ है, इसी के अनुसार संस्कृत व्याकरण चलती है, ठीक है। और इसके जो रचयिता हैं वो है महर्षि पाणिनी, इन्होंने अष्टाध्यायी लिखी थी, ठीक है दोस्तों। अब वेरी वेरी आईएमपी अगला प्रश्न आ गया। कई लोग बोल रहे हैं कि सर गद्य पद्य में से भी क्वेश्चन आएंगे क्या? गद्य पद्य के भी अलग से हम कुछ वीडियो लाए हैं, आगे भी लाएंगे। तो इसमें आप व्याकरण और बाकी का चैप्टर कर लो क्लियर, और बाकी गद्य पद्य अलग से हम इसमें बीच बीच में लेते जाएंगे, ठीक है। तो आगे देखते हैं, पाणिनी को व्याकरण की शिक्षा किसने दी? अब पूरा क्रम अपन ने देख लिया था, पाणिनी जी को, लेकिन किसने दी थी व्याकरण की शिक्षा? तो आपको बता दें विष्णु ने दी थी। किसने दी थी? विष्णु। अगला है, व्याकरण सम्मत से प्रदत्त मूल सूत्रों की संख्या कितनी है? तो मूल सूत्र जो शिव जी की डमरू से कहते हैं निकलते हैं, ऐसे मूल सूत्र थे जिनको कहा गया माहेश्वर सूत्र। कौन से सूत्र कहा गया? माहेश्वर सूत्र। तो संस्कृत में उन माहेश्वर सूत्रों की संख्या आपको बतलानी है, तो वो कुल कितनी है? तो आपको बता दें वह है 14। माहेश्वर सूत्र कितने हैं? 14 हैं। अगला प्रश्न देखें, इसी से संबंधित होगा, महत्वपूर्ण प्रश्न होगा। और देखें पूरी पीडीएफ बिल्कुल छांट करके एक एक प्रश्न बनाए हैं आपके लिए मेहनत करके। माहेश्वर सूत्रों से बनने वाले मुख्य प्रत्याहार हैं, माहेश्वर सूत्रों से बनने वाले मुख्य प्रत्याहार कितने हैं? अब 14 माहेश्वर सूत्र हैं, इससे टोटल कितने प्रत्याहार बनते हैं? तो आपको बता दें इससे टोटल बनते हैं 42 प्रत्याहार, 42। कितने बनते हैं प्रत्याहार? 42। आगे देख लीजिए दोस्तों, इस बार क्या किया हमारे टाइपिस्ट ने कि आंसर बिल्कुल बाजू में लिख दिए, तो कई बार दिख भी जा रहा है, लेकिन अगले जो हमने टाइपिस्ट से बोल दिया कि आंसर गैप देखे लिखें, जिससे हमारे दोस्तों को ना दिखें और वो पहले उत्तर बताने का प्रयास करें, इसके बाद हम बताएं, जिससे पूरा टेस्ट भी इसमें हो जाए। तो आगे देखें, अष्टाध्यायी के संपूर्ण सूत्रों की संख्या आपको बताई नहीं है, अष्टाध्यायी के अध्यायों या पादों की संख्या यहाँ पर बतानी है सबसे पहले, तो ठीक है। तो पादों की संख्या यहाँ पर जो पूछी गई अष्टाध्यायी के, तो आपको बता दें 8 अध्याय हैं और 32 पद हैं, ठीक है। 8 अध्याय 32 पाद, इस प्रकार से अध्याय और पादों की संख्या यहाँ पर हो गई। अगला देखें, अष्टाध्यायी के प्रत्येक अध्याय में पादों की संख्या, अब टोटल अध्याय कितने हैं? 8, तो प्रत्येक अध्याय में पाद कितने हैं? तो वो हैं 4, ठीक है 4। अभी यहाँ पे आया था ना कि 8 अध्याय 32 पाद हैं, तो प्रत्येक अध्याय में 4 पाद हैं, तो 8 चौके 32 हो जाएंगे, इस प्रकार से यहाँ पर लगा लीजिएगा। एक भी प्रश्न आपका व्याकरण का नहीं छूटेगा। अष्टाध्यायी की संपूर्ण सूत्र संख्या है, संपूर्ण सूत्र कितने अष्टाध्यायी में? कई बार पूछा गया प्रश्न है, तो आपको बता दें अष्टाध्यायी में संपूर्ण सूत्र हैं 3983। पता था क्या आपको? नहीं पता था तो रट लें, 3983 है। अष्टाध्यायी के किस अध्याय में सर्वाधिक सूत्र हैं? ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो आपको बता दें कि अष्टाध्यायी के 3रे अध्याय में सबसे ज्यादा सूत्र हैं। अष्टाध्यायी के किस अध्याय में सबसे कम सूत्र है? सबसे ज्यादा तो किसमें है? 3रे अध्याय में। और सबसे कम किसमें है? तो आपको बता दें 2रे अध्याय में। 2रे अध्याय में सबसे कम, 3रे अध्याय में सबसे ज्यादा, याद रखिएगा। अष्टाध्यायी के प्रथम और अष्टम अध्याय के सूत्र संख्या, पहली और आठवीं की ज्यादा पूछी जाती है, तो बता दीजिए। तो आपको बता दें कि अष्टाध्यायी के पहले अध्याय में है 351 सूत्र, और दूसरे अध्याय में है 8वें अध्याय में है 369 सूत्र। तो ठीक है, पहले में 351 है और दूसरे में 8वें में 369 है, वो बोलने में आ जा रहा है। आगे देखें, अष्टाध्यायी के प्रथम अध्याय के प्रथम पाद का पहला सूत्र है, प्रथम पाद का पहला सूत्र, अष्टाध्यायी के प्रथम अध्याय के प्रथम पाद का पहला सूत्र कई बार पूछा गया, वेरी 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 आईएमपी है। तो आपको बता दें वह है वृद्धि रादैच, ठीक है। इससे क्या होती है? इससे वृद्धि संधि होती है, ठीक है, वृद्धि रादैच। ये सूत्र है अष्टाध्यायी के पहले अध्याय का प्रथम पाद का पहला सूत्र, मतलब अष्टाध्यायी का पहला सूत्र पूछ ले तो वृद्धि रादैच लगा देना। अष्टाध्यायी का अंतिम सूत्र कौन सा है? तो अंतिम सूत्र जो है वह आ आ, ये सूत्र है याद रखिएगा, आ आ ये अंतिम सूत्र है। पहला है वृद्धि रादैच और अंतिम है आ आ, ये अष्टाध्यायी के सूत्र हो गए।
आज कोई भी क्वेश्चन नहीं बचेगा दोस्तों, पूरे यहाँ पर कवर होने वाले हैं। अष्टाध्यायी के आधार पर भट्टोजी दीक्षित ने किस व्याकरण ग्रंथ की रचना की है? अष्टाध्यायी के आधार पर भट्टोजी दीक्षित ने कौन सा ग्रंथ लिखा है, सबसे फेमस ग्रंथ है? तो आपको बता दें, सिद्धांत कौमदी। जो लोग संस्कृत से पढ़ते हैं उन्हें ये ग्रंथ पढ़ना बिल्कुल आवश्यक है, ठीक है, सिद्धांत कौमदी। मैंने पूरी पढ़ी है क्योंकि। अगला है, लघु सिद्धांत कौमदी किसकी रचना है? ये भी महत्वपूर्ण है, ये मेरे शास्त्री के कोर्स में थी लघु सिद्धांत कौमदी। तो आपको बता दें, यह रचना है भरदराज जी की। किसकी रचना है? भरदराज जी की लघु सिद्धांत कौमदी। अष्टाध्यायी पर वार्तिक लिखने वाले हैं, ठीक है, अष्टाध्यायी पर वार्तिक किसने लिखा? तो आपको बता दें, इसका जो उत्तर हो जाएगा वह कात्यायन ने। किसने लिखा था? कात्यायन जी ने लिखा था अष्टाध्यायी पर वार्तिक। आगे बढ़ जाते हैं, व्याकरण महाभाष्य के प्रणेता हैं। व्याकरण महाभाष्य के प्रणेता कौन हैं? तो व्याकरण महाभाष्य के जो प्रणेता हैं वह हैं पतंजलि। कौन है साहब? पतंजलि, याद रखिएगा। महत्वपूर्ण प्रश्न आ गया, त्रिमुनि के संकेतित आचार हैं। त्रिमुनि में कौन कौन से आचार आते हैं? तो आपको बता दें, त्रिमुनि में आते हैं पाणिनि, कात्यायन, पतंजलि। वेरी 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 आईएमपी लगा लेना। त्रिमुनि में कौन कौन से आते हैं? पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि, ये त्रिमुनि में आते हैं। वेद पुरुष का मुख कहलाने वाला वेदांग है। वेद पुरुष का मुख कौन सा वेदांग कहलाता है? तो आपको बता दें, वह कहलाता है, वेद पुरुष का मुख कहा गया है व्याकरण को। वेद पुरुष के पूरे अंग बताए गए, मुख, पाद, क्रम से लाते जाएंगे जो जो महत्वपूर्ण होंगे। दोस्तों लाइक जरूर कर दें, अभी तक लाइक ना किया हो तुरंत एक बार लाइक पर क्लिक कर दें, और ये जरूर लिखें कि आप कौन से एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं कमेंट में, जिससे हम और अच्छी अच्छी ऐसी पीडीएफ अपने टाइपिस्ट से बनवाते रहेंगे, छांट करके प्रश्न की आपके पूरे सिलेबस के अनुसार। वैसे मैंने पूरा सिलेबस कवर करने का प्रयास किया। आदि भाषा वैज्ञानिक के रूप में प्रख्यात वैयाकरण है। आदि भाषा वैज्ञानिक के रूप में कौन से वैयाकरण, वैयाकरण मतलब जो व्याकरण का जानकार होता है उसको वैयाकरण कहते, कौन है? तो सबको पता है भाई, आदि भाषा वैज्ञानिक पाणिनि थे, ठीक है। आगे देखें, कात्यायन के अनुसार व्याकरण के प्रयोजन हैं, कितने प्रयोजन उन्होंने बताए हैं? तो कात्यायन जी ने आपको बता दें व्याकरण के 5 प्रयोजन बताए। कितने बताए हैं कात्यायन ने? 5। व्याकरण शब्द की व्युत्पत्ति है, वेरी वेरी आईएमपी। व्याकरण शब्द की व्युत्पत्ति है कैसे है? तो बताया गया है, व्याक्रियन्ते शब्दा अनेन इति व्याकरणम्। ये याद रखिएगा, व्याक्रियन्ते शब्दा अनेन इति व्याकरणम्, इससे क्या हुई है? व्याकरण शब्द की उत्पत्ति हुई है। अगला है, वैदिक और लौकिक व्याकरणों में सरलतर है, वैदिक व्याकरण और लौकिक व्याकरण में सरलतर कौन सी है? तो आपको बता दें, वैदिक व्याकरण जो है वह सरलतर है, याद रखिएगा, इसकी लौकिक की अपेक्षा। आगे देख लेते हैं दोस्तों, आप कमेंट में ये जरूर तुरंत लिख दें कि सर मैं इस एग्जाम की तैयारी कर रहा हूं, तो और हम वो उस एग्जाम संबंधित पूरे प्रश्न इस 500 पीडीएफ की उसमें जुड़वाते जाएंगे। वैसे मैंने कवर किए हैं, फिर भी कोई भी छूट ना जाए, पूरा विषय कंप्लीट हो, इसलिए आप बता दीजिए आप किस टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। धातुपाठ में गणों की संख्या है, गण बताना है। तो आपको बता दें, धातुपाठ में जो हैं वह गण कितने होते हैं? तो वह होते हैं 10। भगण, तगण, जगण, ये सब इत्यादि कितने गण होते हैं? टोटल 10 गण होते हैं। इस प्रकार दोस्तों, एक जरूरी बात कि आप हिंदी और संस्कृत की भी संपूर्ण तैयारी करना चाहते हैं जो आपके सिलेबस में है, तो आपको हमारा कोर्स जरूर ले लेना चाहिए, बहुत उपयोगी आपके लिए कोर्स है। इस कोर्स में आपको लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड वीडियो, मॉडल टेस्ट पेपर, अभ्यास प्रश्न पत्र और पीडीएफ नोट्स भी साथ में फ्री मिल रहे हैं। ऐप को डाउनलोड करना है, जाकर के स्टोर पर जाकर के आपको लेना है। मात्र विशेष ऑफर के तहत 399 रुपये का आपको हमारा हिंदी और संस्कृत व्याकरण का संपूर्ण कोर्स हमारे ऐप पर उपलब्ध है। तुरंत प्ले स्टोर से आप टॉप 50 स्टडी ऐप को डाउनलोड करें और जाकर के स्टोर में जाकर के आप हमारे कोर्स को ले सकते हैं। बहुत अच्छी आपकी तैयारी यहाँ पर हो जाएगी टेट एग्जाम की।
हिंदी और संस्कृत की संपूर्ण तैयारी आपकी इसके माध्यम से हो सकती। धातु पाठ का प्रथम गण है, तो आपको बता दें संस्कृत में टोटल 10 गण होते हैं, जिनमें से पहला गण कौन सा है आपको उसका नाम बताना है। तो पहला आपको बता दें भवादि गण है, जिसमें भू धातु आदि आती हैं। अलग से हमने जो विस्तार से पढ़ाया है उसके आप हमारे संस्कृत व्याकरण ट्रिक वाली जो हमारी प्लेलिस्ट है उसको जाकर के हमारे यूट्यूब चैनल टॉप 50 स्टडी पर जाकर के देखेंगे या यूट्यूब पर सर्च कर लें तो आपको मिल जाएगा। धातुओं के अंतिम गण बताना है, ये पूछे ही जाते हैं गणों से संबंधित एक प्रश्न, तो आपको बता दें पहला तो है भवादि गण और अंतिम है चुरादि गण। ठीक है, डी वाला उत्तर ठीक हो जाएगा। तो याद रखिएगा अंतिम गण कौन सा है, चुरादि गण। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं, समय बचाना है और ज़्यादा पढ़ाई करनी है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। धातु रूप विधायक प्रत्यय है, धातु रूप विधायक प्रत्यय कौन सा है, मतलब कौन सा प्रत्यय है जो धातुओं के साथ लगता है, यहाँ पर वो बतलाना है आपको। ठीक है, कई बार संस्कृत में लोग क्वेश्चन नहीं समझ पाते, गलती कराते हैं। ये कहना चाह रहे हैं कि धातु रूप करने वाला किन प्रत्ययों के साथ धातु रूप, तो तिंग प्रत्यय होता है। ठीक है, तिंग प्रत्यय जो होता है तो वह धातु विधायक रूप प्रत्यय होता है। आगे देखते हैं दोस्तों, एक निवेदन करूंगा, वीडियो को तुरंत लाइक कर दें एक बार, और पिछले पार्ट हमारे आपने ऐसे प्रश्नों के ना देखे हो तो जरूर देख लें, एक एक पार्ट महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो चैनल पर जाके आप देख लीजिए, चैनल को सिलेक्ट कीजिए या यूट्यूब पर डायरेक्ट लिखिए टॉप 50 स्टडी, तो क्रम से देख सकते हैं। धातुओं से संबद्ध लकारों की संख्या कितनी है, लकार टोटल कितने होते हैं, अभी हम बता ही चुके हैं आपको कि टोटल 10 लकार होते हैं। ठीक है, लट लकार, लोट लकार आदि आगे प्रश्न आएंगे, सब जो जो महत्वपूर्ण है वो सब प्रश्न इस पीडीएफ में आ जाएंगे। हमने बताया था ना 500 प्रश्न की हमारी पीडीएफ है, अभी तो अपन सेकंड ही इसका वीडियो पढ़ रहे हैं, और एक दूसरी पीडीएफ है उसकी क्लास अलग लगती है। दो क्लास हैं हमारी, एक रात को लगती है 9:45 पर और एक सुबह लगती है 8:30 पर, ये लाइव रहती हैं। इसके अलावा आप इस टाइम नहीं पढ़ पाए किसी कारणवश तो अपलोड रहती हैं, आप जब भी चैनल पर दिन में 2 बार विजिट कीजिए, और इसके लिए आप यदि सब्सक्राइब कर लेंगे और साथ में बेल आइकन को दबा करके ऑल पर क्लिक कर लेंगे नोटिफिकेशन, तो आप जब भी ऐसा वीडियो अपलोड होगा आपको तुरंत जानकारी लग जाएगी। कभी भी आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करें आपको संस्कृत का यहाँ पे पूरा मटेरियल मिलेगा। वह लकार जो केवल वेद में पाया जाता है, वेदों में पाया जाने वाला लकार, वेरी वेरी IMP है इसको लगा लेना, तो आपको बता दें लेट लकार। वेदों में कौन सा लकार पाया जाता है, उसमें जो दिए हैं लेट लकार। वर्तमान काल की विभिक्षा में प्रयुक्त लकार, बिल्कुल प्रारंभ से पढ़ रहे हैं, हमने बताया था पिछले वीडियो में और हमने प्रारंभ की चर्चा की थी, शुरुआत से है ये PDF, और जो दूसरी क्लास लगती है हमारी वो रात वाली वो थोड़ी आगे है, तो दोनों आप पढ़ते जाएं, दोनों महत्वपूर्ण हैं। तो आपको बता दें कि वर्तमान काल में जो प्रयुक्त लकार होता है वह है, कौन सा लकार है वर्तमान काल में, यहाँ पर लुट लकार दिया है, तो आपको बता दें लुट तो है नहीं, लंग भी नहीं है, लिट भी नहीं, लिट भविष्य में होता है, यहाँ लुट डबल, यहाँ लट होना चाहिए। ठीक है, लट लकार इसको कर लेना, चौथा ऑप्शन ए मात्रा हटा दो, लट लकार वर्तमान काल में प्रयुक्त होता है, कई बार टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है। परोक्ष अनद्यतन भूतकाल में आने वाला लकार है, परोक्ष अनद्यतन भूतकाल में आने वाला लकार, जल्दी बता दीजिए, अनद्यतन भूतकाल में आने वाला लकार, परोक्ष अनद्यतन भूत, तो ये आता है लिट लकार। फटाक से कमेंट करना है, कम समय में ज्यादा प्रश्न। आगे देखे, अनद्यतन भविष्यत काल का बोधक है, कौन सा लकार है अनद्यतन भविष्यत काल का, तो आपको बता दें अनद्यतन मतलब अभी अभी हुआ है, ऐसा भविष्य काल का बोधक होता है लुट लकार, कौन सा होता है लुट लकार होता है। अगला है, सामान्य भविष्यत काल में प्रयुक्त लकार कौन सा है, सामान्य भविष्यत में हमेशा पूछा जाता है लिट लकार, 4 लकार सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं, एक लट, फिर लोट, लंग और विधि लिंग, ये 4 ज़्यादा उपयोग में भी आते हैं, और एक होता है लेट, बस 5वां, ये महत्वपूर्ण होते हैं पढ़ने के लिए, इनमें से प्रश्न आते हैं। विधि एवं प्रेरणा के अर्थ वाला लकार, विधि एवं प्रेरणा, वेरी वेरी IMP, रट लेना, तो आपको बता दें कि विधि एवं प्रेरणा से संबंधित जो लकार है वह है लोट लकार, कौन सा है लोट लकार है। आगे, अनद्यतन भूतकाल का बोधक है, अब अनद्यतन भूतकाल पूछ रहे, क्रम से हम ले आए हैं आपको कुछ भी नहीं छूटेगा, तो वह है लंग लकार। कई लोग बोले हैं सर इसमें संधि समास आएंगे क्या, सब आएंगे, मैंने क्या कहा 500 प्रश्न की PDF है, अब एक दिन में मैं पता है कि आप भी 500 नहीं पढ़ पाओगे, याद नहीं कर पाओगे, मैं भी 500 नहीं पढ़ा पाऊंगा, बहुत मेहनत हो जाएगी,
ठीक है अभी शुरुआत में, इसलिए मैं क्रम क्रम से आपका ज़्यादा नहीं 10 से 12 मिनट लेता हूँ सुबह, 10 से 12 मिनट शाम को, मतलब 20 मिनट आप 25 मिनट टोटल हमें देते हैं और आपके 60-70 प्रश्न हम महत्वपूर्ण रटा देते, इससे ज़्यादा क्या करना। अनद्यतन भूतकाल का बोधक है, अनद्यतन भूतकाल जल्दी से बता दीजिए दोस्तों। हाँ बिल्कुल सही उत्तर देते जाइए, कमेंट जरूर करना है। तो अब वो है लंग लकार, ठीक है आगे देखें। विधि एवं आसी भेद वाला लकार है, ठीक है विधि एवं आसी, तो ये है लिंग लकार। कौन सा है? लिंग लकार। दसों लकार आप क्रम से इसके नोट्स भी बना सकते हैं लिख करके कौन किस अर्थ में प्रयुक्त होता है। सामान्य भूतकाल की विवक्षा में आने वाला लकार, सामान्य भूत वाला लकार बताना है, जल्दी बता दें दोस्तों। सामान्य भूतकाल की विवक्षा में कौन सा लकार आता है? तो वह आता है लुंग लकार। बस होने वाले हैं लकार वाले प्रश्न। भविष्यत अर्थ में हेतु हेतु मद भाव लिंग के अर्थ में प्रयुक्त होने वाला, हेतु हेतु मद भविष्य के अर्थ में ऐसे होने पर ऐसा होगा, हेतु हेतु मद जिसको कहते हैं अपन, तो वह कौन सा लकार आता है? तो वह आता है लिंग। ठीक है नाम थोड़े सेम है, कंफ्यूज नहीं होना। आगे बढ़ जाते हैं और कर। संस्कृत व्याकरण में कारकों की संख्या है, बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर आ गया दोस्तों, लकार वाला हो गया। अब वेरी वेरी आईएमपी है आगे के जो प्रश्न हैं। तो संस्कृत व्याकरण में देखो आपको बता दें कि कारक की संख्या होती है 6, कन्फ्यूज नहीं होना, संस्कृत में 6 होती है, हिंदी के हिसाब से नहीं लगा के आ जाना। प्रातिपदिकार्थ मात्र में प्रथमा विभक्ति प्रयुक्त विभक्ति है, मैंने बोल दिया क्योंकि मुझे सूत्र याद है, प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा, ये सूत्र है प्रथमा का विधायक। क्या सूत्र है? प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा, इसलिए मेरे मुंह पर वही रटा है, तो मैंने उत्तर भी बता दिया। तो प्रातिपदिकार्थ में कौन सी विभक्ति होती है? प्रथमा। आगे देखें, हमने दोस्तों जब संस्कृत से पढ़ाई की थी तो एक एक विभक्ति के बड़े बड़े सूत्र रटे हैं, याद किए हैं, लेकिन आपको सरल तरीके से समझा रहे हिंदी, इसलिए भाषा में प्रश्न ला रहे, संस्कृत भाषा ही प्रश्न लाए हैं, बहुत सारे प्रश्न हमारे अपलोड हैं संस्कृत टू संस्कृत हैं। कई दोस्तों बोले सर अभी पेपर है बिल्कुल और सरल भाषा में कुछ मिल जाए, तो हम हिंदी के लिए आए, आगे संस्कृत भाषा में ही रहेंगे, सारे प्रश्न सब तरीके के होंगे। कृष्णा में है प्रथम विभक्ति का कारण है, कृष्णा शब्द में प्रथम विभक्ति का क्या कारण है, किस कारण से कृष्ण शब्द में प्रथम विभक्ति है? तो आपको बता दें कि यहाँ पर कृष्णा जो है प्रातिपदिकार्थ है, वो अभी हल बताया कि भाई प्रातिपदिकार्थ में कौन सी विभक्ति आती है? प्रथमा। अब आपको विभक्ति पढ़नी है तो भाई चैनल पे जाके विस्तार से पढ़नी पड़ेगी, अब इसमें तो हम पढ़ा नहीं पाएंगे, एक क्वेश्चन में यदि विभक्ति पढ़ाने लगें तो वीडियो हो जाएगा 1 घंटे का, फिर तो सात इतनी विभक्तियाँ अलग अलग पढ़ानी है। परिमाण मात्र में प्रयुक्त होने वाली विभक्ति, अभी हल बताया कि प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण, मतलब प्रातिपदिकार्थ लिंग अर्थ और परिमाण के अर्थ में हमेशा प्रथमा विभक्ति होती है, याद रख लीजिएगा, 1 नंबर पक्का हो गया, ठीक है इनमें प्रथमा होती है, आगे और भी आएंगी। अगला देखें, तटी में प्रथमा विभक्ति का क्या कारण है, तटी शब्द में प्रथमा विभक्ति आ गया, किस कारण से आ गया? तो ये भी हमने बताया कि प्रातिपदिकार्थ लिंग बताया था ना, तो किस लिंग मात्र में, तटी क्या है? स्त्रीलिंग, लिंग केवल शब्द आ गया टटी, इसलिए उसमें प्रथमा आ गई। अब देखें, अलिंग उच्चई आदि में प्रथमा विभक्ति का क्या कारण है, किस कारण से होती है? तो अलिंग उच्चई ये सब प्रातिपदिक अर्थ हैं, ठीक है प्रातिपदिक हैं सब, इसलिए। वचन मात्र में प्रथमा क्यों हुई? तो अभी पहले बताए प्रातिपदिक अर्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे, तो वचन मात्र में प्रथमा हुई। अब सूत्र कौन सा है, किस उससे हुई? तो आपको बता दें दौ, ठीक है किससे हुई? दौ से। आगे, नियतोपस्थितिक है, क्या है नियतोपस्थितिक? तो वह क्या है? प्रातिपदिक है, नियत है उपस्थितिक, ठीक है। आगे, संबोधने चे आईएमपी है, सूत्र में विभक्ति होती, जिसको हम आईएमपी कह दें मतलब वो पेपर के लिए अत्यंत उपयोगी समझ लेना। तो संबोधने चे सूत्र से कौन सी विभक्ति होती है? तो आप सबको पता है कि संबोधन में हमेशा, हमने जब पढ़ाई भी थी आपको शब्द रूप हो चाहे, तो उसमें बताया था कि प्रथमा विभक्ति होती हमेशा संबोधन में, ठीक है तो प्रथम हो जाएगी, ठीक है। जैसे अपन बोलते ना अंत में हे
हे रामा हे रामऊ हे रामा, ठीक है, हे राम हे रामऊ हे रामा, ये बोलते ना तो राम रामऊ रामा, प्रथमा में भी यही था। तो संबोधन में क्या होती है, हमेशा प्रथमा विभक्ति होती है। हे राम में विभक्ति है, लो यहाँ बोला वहाँ क्वेश्चन आ गया। अब तो बता दो भैया, कमेंट कर दो सही। हाँ बिल्कुल सही, प्रथम अभी बताया, संबोधन में प्रथम होती है। कार के यह कैसा सूत्र है, कार के एक सूत्र है, पाणिनि जी की अष्टाध्यायी जो ग्रंथ है उसका एक सूत्र है कार के, तो एक कैसा सूत्र है, तो अधिकार सूत्र है। कैसा है, अधिकार। आगे देखें, कर्ता का इष्टतम कारक क्या है, वेरी 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 आईएमपी लगा लेना इसको। तो कर्ता के लिए जो इष्टतम या ईप्सित होता है उसको कहते हैं कर्म, क्योंकि सूत्र है द्वितीय विभक्ति का कर्तुर ईप्सित तमम कर्मा, कर्ता के लिए जो ईप्सित है वह क्या कहलाता है, कर्म। जैसे वह घर जाता है, ईप्सित समझना बहुत जरूरी, इसलिए समझा दे रहे तुरंत। तो वह हो गया कर्ता, घर जाना उसके जाना हो गई क्रिया, लेकिन कर्ता जो है ना वह उसको ईप्सित क्या है, घर है, घर जाना चाह रहा है, वो घर उसके लिए ज्यादा मतलब जरूरी है इस समय, तो घर क्या हो गया, कर्म हो गया। तो यही होता है कर्म, ठीक है, आगे और समझाते जाएंगे, समय मिलेगा। हरिम भजती में हरि क्या है, हरिम भजती मतलब हरि को भजता है, वो कर्ता का कारक चिन्ह क्या है, कर्ता, कर्ता ने कर्म का कारक चिन्ह क्या है, कर्म को, तो हरि को भजता है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, कर्म हो जाएगा। दोस्तों इसके लिए तो आपको हमारे संस्कृत व्याकरण की ट्रिक देखनी पड़ेगी, विस्तार से पढ़ना है, ये क्वेश्चन आंसर है, सरल सरल है, लेकिन आपका अच्छा अभ्यास प्रैक्टिस हो जाएगी। दोस्तों इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना है, हम अलग से आपके लिए ऐसे प्रश्न बना बना करके ला रहे हैं, आपका कर्तव्य इतना है कि सब्सक्राइब कर लें, जिससे हर प्रकार के वीडियो आपके संस्कृत के हमारे आप तक पहुँचते जाएँ, हर विषय के आपके वीडियो और आपको मिलेंगे चैनल पर, केवल संस्कृत की नहीं, जो उपयोगी हैं वो आप पढ़ें, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं, मानुषे अश्वम बधनति, यहाँ ठीक है मांस कर्म नहीं है, क्योंकि क्यों नहीं है यहाँ पर कर्म, मासेसु है, सॉरी मासेसु अश्वम बधनति, यहाँ पर मांस कर्म क्यों नहीं है, तो आपको बता दें कि यह कर्ता का इष्टतम कारक नहीं है, ठीक है, ये कर्ता का इष्टतम कारक नहीं, इसलिए कर्म नहीं है। कर्म किसमें आता है, कर्तुर इष्टतम कर्मा, जो कर्ता को जो इष्ट है, ठीक है ऐसे। अब रस्सी से अश्व को बांधता है, अब इसमें कोई है ही नहीं कर्ता है, कर्म ही नहीं है, इसलिए कर्ता कोई इष्ट नहीं है, ये कर्म इसलिए कर्ता नहीं है। इसलिए अनुक्त कर्म में विभक्ति होती है, जल्दी से बता दीजिए, तो आपको बता दें अनुक्त में जो विभक्ति होती है वह द्वितीया होती है, ठीक है। अनुक्त कर्म जो उक्त नहीं है, जो कहा गया नहीं गया है वो, ठीक है। दोस्तों अगला देख लेते हैं, ऐसे 30-30 प्रश्न के हमारे बहुत से वीडियो आपको दो प्लेलिस्ट मिलेंगे, एक संस्कृत व्याकरण ट्रिक उसमें विस्तार से मिलेगा, एक टेट एग्जाम संस्कृत भाषा एक और दो, इसमें आपको ऐसे प्रश्न उत्तर वाले प्रश्न मिल जाएंगे, ठीक है। दोनों को आप अच्छे से देखिए और अपनी तैयारी को मजबूत बनाइए, पूरी तैयारी आपकी हो जाएगी, घबराने की जरूरत है नहीं, ठीक है। डेली दो दो क्लासें आ रही हैं, एक सुबह 8:30 बजे आ रही है और एक रात को 9:45 पे आ रही है, तो आप दोनों को पढ़िए। कर्मणि द्वितीया, द्वितीया है, द्वितीय लिख गया, सूत्र में इस सूत्र का अधिकार है, ठीक है। अधिकार क्या है, इस सूत्र का अधिकार है तो अनभिहिते, इसका क्या है, अधिकार है, ठीक है। कर्मणि अभिहित कर्म में विभक्ति होती है, कमेंट में आपको भी उत्तर बताना है। तो अभिहित जो कर्म होता है तो उसमें कौन सी विभक्ति होती है, कर्ता ने कर्म को, हमने पहले बढ़ाया था, अभिनिवित कर्म है तो भी द्वितीय विभक्ति होगी, ठीक है। अगला देखें, क्रम से चल रहे हैं, पूरी व्याकरण यहाँ पर क्रम से है इन प्रश्नों में, ठीक है। अभिहित कर्म में इस सूत्र से प्रथमा विभक्ति होती है, किस सूत्र से प्रथमा हो जाती है, ठीक है। यदि ये सूत्र लग जाए तो इस कारण से प्रथमा हो जाती, वैसे तो द्वितीय होती, तो आपको बता दें प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा, इस सूत्र के कारण से अभिनिहित कर्म में प्रथमा
हो जाती है, ठीक है। वैसे द्वितीय होती, लेकिन यदि ये सूत्र लग जाए इन अर्थों में, हो जाए प्रातिपदिक अर्थ में, लिंग अर्थ में, परिमाण अर्थ में या वचन अर्थ में, तो फिर प्रथमा भी हो जाएगी। दोनों चीज़ें याद रखना, कन्फ्यूज नहीं होना। संस्कृत है, नियम अलग अलग चलते। हरि सेव्यते में किससे कर्म का अभिधान है? हरि सेव्यते क्रम से है, तो किससे कर्म का अभिधान है? तो हरि सेव्यते में तिंग से का है कर्म का अभिधान है। आगे देखें, ग्रामम गच्छम तृण स्पर्शयति में तृण की इस सूत्र से कर्म संज्ञा हुई है। तृण की कर्म संज्ञा हुई है, अब किस सूत्र से हुई है? क्योंकि ग्राम तृण को स्पर्शित करता है, ग्राम जाकर के तृण को स्पर्श करता है, तो तृण क्या है यहाँ पर? कर्म है। तो किस सूत्र से कर्म की संज्ञा हुई है? तो आपको बता दें कि इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा तथा युक्तम च नीपसितम, इस कर्म से हुई है, ठीक है। इसके पहले दोस्तों क्रम से हम दो वीडियो और हमारे इन पार्ट के अपलोड हो चुके हैं, जहां तक 30-30 प्रश्नों में 60 प्रश्नों पर चर्चा की थी, आज 61 से 90 तक करना है। एक एक प्रश्न महत्वपूर्ण है, बहुत ही उपयोगी है दोस्तों, वह वीडियो को लाइक और शेयर आपको करना है, और आप सब्सक्राइब करके तो जुड़ ही गए होंगे। ग्रामम गच्छम तृण स्पर्शयति, रिपीट नहीं हुआ, अलग क्वेश्चन है। मैं ग्रामम के सूत्र से कर्म संघ, क्योंकि वहां पर दो कर्म थे, एक था ग्राम, एक था ग्राम मतलब ग्राम को जा रहे हैं और तृण को स्पर्श कर रहे हैं, तो ग्राम और तृण दो कर्म हैं, तो तृण की तो हुई थी तथा नुक्तम च नीपसितम से कर्म संज्ञा। अब पूछ रहे हैं ग्राम की किससे कर्म संज्ञा हुई यहाँ पर, तो आपको बता दें कि ग्राम की जो यहाँ पर कर्म संज्ञा हुई है वह हुई है कर्तुरीप्सितम कर्म, मतलब जो कर्ता के लिए ईप्सित होता है उसको क्या कहते हैं? कर्म। तो ग्राम जाना कर्ता के लिए ईप्सित है, इसलिए ग्राम में कर्तुरीप्सित तमम कर्म से क्या हुई है यहाँ पर? कर्म संज्ञा हुई है। तथा युक्तम च नीपसितम, सूत्र से संज्ञा होती है, अभी हल आ गया था भाई, ठीक है। कौन सी संज्ञा होती है? कर्म संज्ञा, याद रखिएगा, तथा युक्तम च नीपसितम, सूत्र से कर्म संज्ञा होती है। विभक्ति कारक इत्यादि संबंधित प्रश्न आ गए, क्रम से हमारे पूरे 500 प्रश्नों की PDF है, इसमें पूरी आपकी व्याकरण कवर हो जाएगी। अब आप सोचेंगे सर क्रम से आएंगे, लेकिन हर चैप्टर के वीडियो आपको बिल्कुल क्रम से पढ़ना है, तो आप हमारे पूरे वीडियो क्रम से देखते जाइए, ठीक है दोस्तों। आगे देखते हैं, ओदनम भुंजानो विषम भुंगते में ओदनम की कर्म संज्ञा इससे हुई है, ओदनम की कर्म संज्ञा किससे हुई है? तो आपको बता दें कि ओदनम भुंजानो विषम भुंगते, ओदन को भूंज करके मतलब वो करके, तो कर्ता के लिए यहाँ पर क्या ईप्सित है? भोजन ईप्सित है, ओदन ईप्सित है, तो हमने बताया था कर्तुर ईप्सित तमम कर्मा से, कर्ता के लिए जो ईप्सित होता है, ठीक है, तो वह क्या हो जाता है? कर्म हो जाता है। अकथित कर्म के परिगणन में यह धातु नहीं है, अकथित जो कर्म है उसके परिगणन में यह धातु उपयोगी नहीं होती है, धातु नहीं है, तो वह कौन सी नहीं है? आपको बता दें पच तो होती है, दोहे होती, दंड होती, पट धातु नहीं है। आपको ये सब विस्तार से पढ़ना हो तो हमारे चैनल की जो प्लेलिस्ट है संस्कृत व्याकरण ट्रिक, उस पर आप देखेंगे तो सारे आपको वीडियो क्रम से ट्रिक के साथ मिल जाएंगे। आकथित कर्म के परिणमन में यह धातु है, अब इनमें से कौन सी धातु है आकथित कर्म के परिणमन में? तो आपको बता दें ची धातु है। अगला है गाम दोगदी पया, वेरी वेरी IMP, कई बार पूछा गया है उदाहरण, में पयस की कर्म संज्ञा हुई है, किससे हुई है? गाम दोगदी पया में पयस की कर्म संज्ञा हुई है, तो आपको बता दें कि कर्तुरीप्सित तमम कर्मा, इससे क्या हुई है? पयस की कर्म संज्ञा हुई है, पयस शब्द था, पया हो गया, ठीक है, ऐसा कर्म संज्ञा हुई है। बलिम याचते वसुधाम, ठीक है, बलि है वह वसुधा पृथ्वी की याचना करते हैं, मैं बलि की कर्म संज्ञा किससे हुई है? तो आपको बता दें कि बलि में याचते वसुधाम में अकथितंच से यहाँ पर बलि की कर्म संज्ञा हुई है, बाकी नहीं तो याचना के अर्थ में कौन सी विभक्ति होती है? होती तो ये चतुर्थी, लेकिन यहाँ द्वितीया हो गई भाई, कर्म हो गया, क्यों? संप्रदान होना था, क्योंकि यहाँ पर अकथितंच सूत्र लग गया, ऐसा। अकथितंच कैसा सूत्र है, कई बार पूछा गया ये प्रश्न भी है महत्वपूर्ण, तो आपको बता दें कि ये अकथितंच जो सूत्र है वह कैसा है? संज्ञा सूत्र है।
आकथितन च में चा किसका बोधक है, चा किस बात का बोधक है। थोड़े कठिन प्रश्न आज के हैं, मैं मानता हूँ, वैसे स्टार्टिंग से पढ़ लेकिन सब प्रकार के पढ़ने पड़ेंगे। आप सोचो हमें सरल ही सरल पढ़ते रहें और पेपर में कठिन आ जाएं तो वहाँ जाके फुस हो जाएं, ऐसा काम नहीं करना है। इसलिए सरल भी पढ़ना है और कठिन भी पढ़ना है, मैं दोनों प्रकार के प्रश्न लाता हूँ कि परफेक्ट तैयारी होनी चाहिए। तो आकथितंच आपको बता दें कि चा कर्म का बोधक है। यहाँ पर अकर्मक धातु के योग में अर्धवाचक शब्द की संज्ञा है। अकर्मक धातु के योग में अर्धवाचक जो शब्द है उनकी संज्ञा कौन सी हुए, तो आपको बता दें उनकी कर्म संज्ञा है। गत्यार्थक धातु के अणिजंत कर्ता की ऋजंत में कौन सी संज्ञा होती है। गत्यार्थक धातु जाने अर्थ की धातु में, तो हमेशा याद रखना गत्यार्थक धातु की बात आ जाए तो कर्म संज्ञा होती है, ठीक है। गच्छति इत्यादि जो होते हैं ना उनमें कर्म होता है, कर्म के साथ। कार्यति वृत्तेन कटम में तृतीया विधायक सूत्र है। अब तृतीया से संबंधित क्वेश्चन आ गए। कार्यति वृत्तेन कटम में तृतीया विधायक सूत्र कौन सा है, जल्दी से बता दें, पढ़ा होगा तो बता दें। तो अनुक्ते कर्तरी, ये सूत्र यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। अगला है अधिपूर्वक स्था धातु के आधार की संज्ञा है। अधिपूर्वक स्था धातु के आधार की संज्ञा कौन सी हो जाएगी, तो वह हो जाएगी कर्म संज्ञा। अधि से ते, अधितिष्ठते आदि जो बनते हैं ना ऐसे, स्था धातु अधितिष्ठते, स्था से तिष्ठ हो जाता है। अभिनिवेश सूत्र संबद्ध है, किससे संबद्ध है अभिनिवेश, ये कर्म से संबंधित है। कम समय में ज़्यादा पढ़ना है, 30 प्रश्न पढ़ने हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा 15 मिनट, इससे ज़्यादा नहीं लगना चाहिए, नहीं तो एक घंटा में 30 प्रश्न पढ़ोगे तो हो गया काम साहब, ठीक है। क्योंकि यहाँ अभ्यास कर रहे हैं, जब विस्तार से पढ़ते हैं तो हमारी आप क्लासें देखेंगे 30-30, 40-40 मिनट की मिलेंगी, लेकिन यहाँ क्या है अभ्यास है एक प्रकार का। सर्वता के योग में प्रयुक्त विभक्ति है, सर्वता के योग में। कल हमने एक सूत्र बताया था, अभिता परिता समया निक्सा हा प्रतियोगी पिए के, एक सूत्र बताया था कि अभिता परिता सर्वता इन सब के योग में द्वितीय विभक्ति होती है, ठीक है, याद रखिएगा हमेशा, महत्वपूर्ण है, द्वितीय विभक्ति होती है इन सब के योग में। दोस्तों एक बार लाइक जरूर कर दें, अभी वीडियो को ना किया हो तो इतना काम आपको करना है। वह विभक्ति जो अंतरा के योग में आती है, अंतरा के योग में कौन सी विभक्ति आती है, तो आपको बता दें द्वितीय विभक्ति आती, कौन सी, द्वितीया, ठीक है। अब एक और बात आपको बतानी थी कि आप कमेंट कर दें, जैसा हमने बोला था कैसे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, बहुत से मित्रों के हम रिस्पॉन्स आ गए हैं, वैसे ही वीडियो हम ला रहे हैं। साथ ही साथ आपको एक दो चीज़ों के और कमेंट करना है, आपको किस टाइप के क्वेश्चन चाहिए, किस सब्जेक्ट से संबंधित प्रश्न चाहिए, या संस्कृत में भी चाहिए तो आप किससे संबंधित चाहिए, ग्रामर में, सारी बातें आप अपने कमेंट में लिख दिया करें, जैसा आपको चाहिए वैसा मिलता जाएगा। आपकी तैयारी आपके हिसाब से हमें तैयारी करानी, हम कुछ भी पढ़ाते ना इसका ऐसा नहीं करना है, जो आप चाहते हैं वो आपको मिले। अत्यंत संयोग में कालवाचक शब्द से आने वाली विभक्ति है। अत्यंत संयोग में कालवाचक शब्द के साथ जो विभक्ति आती है वो कौन सी विभक्ति है, तो आपको बता दें द्वितीय विभक्ति आती है। कुछ विभक्ति के आगे कठिन रहेंगे, आगे सब प्रकार के आएंगे, संधि समास उपसर्ग प्रत्यय क्रम से आएंगे, लेकिन क्योंकि ये जो है ना वो हमने क्रम से बनवाई है, क्योंकि पूरी तैयारी प्रारंभ से करनी है जिससे आपको क्लियर रहे बिल्कुल। अत्यंत संयोग में अपवर्ग से आने वाली विभक्ति वाली होना चाहिए, वाली विभक्ति है अपवर्ग से, अत्यंत संयुक्त में, तो आपको बता दें अपवर्गे तृतीया एक सूत्र है, तो अपवर्ग के योग में कहा तृतीया आती है, तो अत्यंत संयुक्त से अपवर्ग के योग में कौन सी आती है, तृतीया। क्रिया की सिद्धि में अपवर्ग से आने वाला कारक है, तो अपवर्ग से आने वाला जो कारक है वह क्रिया की सिद्धि में, तो वह कारक होता है कर्म, कर्म कारक आता है, ठीक है। महत्वपूर्ण प्रश्न आ गया, रामेण बाणेण हतो बाली में, रामेण में तृतीय विधायक सूत्र है, ठीक है, राम बाण से बाली को मारता है, इसमें तृतीय विभक्ति है, किसमें, रामेण में, तो एक तृतीय विधायक सूत्र कौन सा है इनमें वो आपको बताना है, तो आपको बता दें अनुक्ते कर्तरी, ठीक है, अनुक्ते कर्तरी सूत्र से यहाँ पर तृतीया हुई है। रामेण बाणेण हतो बाली में करण कारक है, करण कारक कौन सा है, ठीक है,
कर्ता ने कर्म को करण से या की द्वारा अर्थ में निकलता है। तो यहाँ पर जो करण कारक हो जाएगा वह हो जाएगा बाण, क्योंकि बाणेण मतलब बाण से मार रहा है ना, इसलिए बाण के द्वारा। अक्षान दिव्यति में अक्ष की कर्म संज्ञा विधायक सूत्र है। अक्षान दिव्यति में अक्ष की कर्म संज्ञा विधायक सूत्र कौन सा है? तो आपको बता दें कि यहाँ पर जो कर्म संज्ञा विधायक सूत्र हो जाएगा वह हो जाएगा दिवाह कर्मच। ठीक है दोस्तों, हमारी दो PDF हैं, टेट संस्कृत भाषा 1-2, जिसमें ऐसे बहुत सारे आपको प्रश्न मिलेंगे, और एक संस्कृत व्याकरण ट्रिक जिसमें आपको विस्तार से पढ़ाया जाएगा, दोनों पढ़ लें। सह के योग में आने वाली विभक्ति महत्वपूर्ण प्रश्न है। एक सूत्र है सहयुक्ते अप्रधाने, क्या है? सहयुक्ते अप्रधाने तृतीया का सूत्र है। तो सह के योग में तृतीया विभक्ति होती है, सह साकम सार्धम इन सभी के योग में तृतीया विभक्ति होती है, याद रखिएगा। सह मतलब साथ, ऐसा महत्वपूर्ण, वेरी वेरी IMP, कई बार पूछा गया। एनांग विकारा के योग में आने वाली विभक्ति, एनांग विकारा मतलब इसकी किसी अंग में विकार हो, जैसे अक्षणा काणा सिरसा खलवाटा पादेन खंजा, इसके उदाहरण हैं। तो हमेशा अगर अंग में विकार की बात आती है तो यहाँ पर तृतीया विभक्ति होती है। ठीक है, एनांगेन विकारा के योग में कौन सी विभक्ति होगी? तृतीया विभक्ति हो जाएगी, याद रखिएगा। जटाभिस्तापसा, ठीक है, मैं तृतीया विधायक सूत्र है। अब इसका अर्थ क्या हो? जटाओं से तापसी, मतलब एक लक्षण बता रहे हैं यहाँ पर कि जटाओं से भाई कैसा लग रहा है, तापसी लग रहा है। तो इत्यम इत्थम भूत लक्षणे, जब किसी का ऐसा लक्षण बताया जाए तब यहाँ पर तृतीय विभक्ति होती है, इत्थम भूत लक्षणे सूत्र से होती है जटाभिस्तापसः। ठीक है दोस्तों, लाइक शेयर जरूर करना अपने 3 मित्रों को कम से कम। आपको हमारे YouTube पर आप तो लिख देना Top 50 स्टडी संस्कृत, तो आपको संस्कृत के पूरे वीडियो क्रम से मिल जाएंगे, यदि प्ले लिस्ट ना मिले तो। ठीक है, और कमेंट में आपको जरूर लिखना है कि आपको कैसे वीडियो चाहिए हैं, किस सब्जेक्ट के चाहिए, किस तैयारी कर रहे हैं, हर चीज़ आप लिख दें। वैसे आपको मिलते रहेंगे डेली, सुबह 8:30 बजे हमारी क्लास रह रही है, पूरी PDF चलेगी क्रम से। कर्मणा यमभि प्रेति सा से संकेतित है, क्या है इससे संकेतित? तो आपको बता दें कि कर्मणा यमभि प्रेति सा से संप्रदित कौन है? संप्रदान भाई, कौन कहलाता है? संप्रदान कहलाता है। ठीक है, मतलब संप्रदान के लिए इसका जो है कारक। दोस्तों आगे के प्रश्नों पर चर्चा करें उससे पहले आपको बता दें कि संस्कृत साहित्य एवं व्याकरण की संपूर्ण टेस्ट सीरीज, जिसमें आपको संस्कृत का पूरा साहित्य, व्याकरण, काव्यशास्त्र, भाषा विज्ञान इत्यादि सारे टेस्ट आपको मिलेंगे। 2500 से अधिक प्रश्न होंगे और केवल ₹129 में आपको हमारे ऐप Top 50 स्टडी पर यह मिल रहे हैं। आपको दोस्तों लेने में कोई दिक्कत आती है तो आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज भी कर सकते हैं, मेरा नंबर है, आप इस नंबर पर मुझे मैसेज करें व्हाट्सएप पर और मेरे से डायरेक्ट संपर्क कर सकते हैं। प्ले स्टोर से आपको हमारे ऐप को डाउनलोड करना है, टॉप 50 स्टडी ऐप को, उस टेस्ट सीरीज को ले। दोस्तों बहुत सारे मित्र आपके निरंतर टेस्ट दे रहे हैं, डेली तैयारी कर रहे हैं, इस बार सफलता उन्हें मिलेगी भी। तो आपने अभी तक ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तुरंत कर लो, कर लिया है तो तुरंत जा करके टेस्ट सीरीज ना ले पाए तो खरीद लें। कोई दिक्कत आए तो आप मेरे नंबर पर मैसेज करें या चैट ऑप्शन जो दिया है उसमें जा करके भी आप मेरे से डायरेक्ट बात कर सकते हैं। बहुत उपयोगी ये टेस्ट सीरीज है, आप जरूर लें और अपनी तैयारी को पक्का करें। विप्राय गाम ददाती में विप्र है, विप्र क्या है जल्दी से बता दें? विभक्ति कारक से संबंधित ये प्रश्न है। तो आपको बता दें कि विप्राय में चतुर्थी विभक्ति है, तो चतुर्थी का जो कारक है वह कौन सा है? चतुर्थी विभक्ति का वह है संप्रदान कारक। और हमने आपको बता भी दिया था कि देना अर्थ में जो, दान अर्थ में जो धातु होती है उसमें हमेशा शब्द में यदि दान अर्थ प्रकट हो रहा है तो चतुर्थी विभक्ति होगी, मतलब विप्र के लिए गाय देता है। ठीक है, इस प्रकार से दान अर्थ में हमेशा कौन सी होती है? चतुर्थी विभक्ति होती है, ये नियम भी याद रखना। और चतुर्थी मतलब संप्रदान, इसका कारक चिन्ह होता है के लिए, मतलब विप्र के लिए। ठीक है, ये सब आपको पढ़ना हो तो हमारे चैनल की आप प्लेलिस्ट में जाकर के पढ़ सकते हैं। Top 50 स्टडी आप YouTube पर सर्च करेंगे तो आपको वीडियो क्रम से मिल जाएंगे, पूरी तैयारी आप कर सकते हैं। अगला देखें, रुच्यर्थ धातु के योग में प्रियमाण की संज्ञा होती है। एक और महत्वपूर्ण बात दोस्तों, कई दोस्त बोलते हैं सर हमें इसकी PDF चाहिए, क्या करें, कैसे करें? कुछ मत करें, आप
3 से 4 दिन के अंदर हमारा टेलीग्राम चैनल टॉप 50 स्टडी लॉन्च होने वाला है। 3-4 दिन बाद यदि आप ये वीडियो देख रहे हो तो टेलीग्राम पर सर्च करना, बाकी अभी लॉन्च नहीं हुआ, 3 से 4 दिन लगेंगे। उसकी जानकारी हम आपको इसी चैनल पर देंगे, जैसे ही लॉन्च होगा लिंक भी दे देंगे। आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो और बेल आइकन दबा लें, नोटिफिकेशन ऑन कर लें, जैसे ही टेलीग्राम चैनल लॉन्च होगा ये PDF हम वहाँ भेज करके आपको पहुँचाएंगे, ठीक है? तो आप जरूर जुड़ें। रुच्यार्थ धाती के युग में प्रियमाण, क्योंकि कहा है रुच्यार्थक प्रियमाण सूत्र है, तो वहाँ पर आपको बता दें रुचि अर्थ की, जैसे हमने दान अर्थ में बताया ना, ऐसे ही रुचि अर्थ की जो धातुएं होती हैं उनमें भी क्या, कौन सी विभक्ति होती, चतुर्थी संप्रदान कारक होता है, संप्रदान होती है, ठीक है? कौन सी संज्ञा होती है उनकी, संप्रदान संज्ञा। आपने पढ़े होंगे कर्ता ने, कर्म को, करण से, संप्रदान के लिए, तो रुचि अर्थ में भी कौन सी संप्रदान संज्ञा होती है। अगला देखें, ये पूरी क्रम से है, मैंने बताया था 90 प्रश्न है, क्रम से ऐसे आगे बढ़ते जा रहे हैं, पूरी व्याकरण कवर होगी इसमें। धारे रुत्त मरण से संबंधित है, धारे रुत्त मरण से संबंधित क्या है, तो वो भी क्या बता दें आपको, यह संप्रदान ही है, इसकी भी संप्रदान संज्ञा होगी, या इसको कह सकते हैं चतुर्थी विभक्ति होगी इस अर्थ में, ऐसे भी लगा सकते हैं, ठीक है? स्प्रेह रीप्सिता, कई बार पूछा जाता है, से संबद्ध संज्ञा है, तो आपको बता दें स्प्रह या ईप्सित जो है, स्प्रह मतलब जो हमारी इच्छा है एक प्रकार से, स्प्रह ईप्सित, उसके अर्थ में भी क्या होती है, संप्रदान विभक्ति होती है, ठीक है? रुचि अर्थ में, स्प्रह अर्थ में, ऐसे इन सब में संप्रदान संज्ञा है। आगे क्रोध द्रोह ईर्ष्या सूर्यार्थानाम यम प्रतिकोपः, कोपह होना चाहिए, कोप लिखे कोपह, से संज्ञा होती है, मतलब क्रोध द्रोह ईर्ष्या आदि अर्थ में जिस पर कोप किया जाए उसमें कौन सी संज्ञा होगी, जल्दी से बता दीजिए, तो आपको बता दें उस पर संप्रदान संज्ञा होती, मतलब चतुर्थी विभक्ति कहाँ पर आएगी, संप्रदान मतलब चतुर्थी विभक्ति, तो जिस पर कोप किया जा रहा है, यम प्रतिकोपा मतलब जिसके ऊपर क्रोध किया जा रहा है उसमें यहाँ पर क्या आ जाएगी, चतुर्थी आ जाएगी, या जिससे ईर्ष्या की जा रही है, जिससे द्वेष किया जा रहा है उसमें चतुर्थी आ जाएगी, आगे उदाहरण भी आएंगे तो आप समझ लेना, ठीक है? अगला है उत्पातेन ज्ञापितेच, वार्तिक से होने वाली विभक्ति है, उत्पातेन ज्ञापिते च, वार्तिक से कौन सी विभक्ति होती है, जल्दी से बता दें, तो आपको बता दें उत्पातेन ज्ञापिते च, वार्तिक से चतुर्थी विभक्ति होती है, या संज्ञा पूछ लेते तो वही संप्रदान, ठीक है? संप्रदान उसका विभक्ति में ले लो तो क्या हो गई, चतुर्थी, और कारक में ले लो तो संप्रदान कारक हो गया, दोनों एक ही चीज़ें हैं, लगभग एक ही नहीं है मतलब, लेकिन समान रूप से प्रयोग होती हैं, आप दोनों, आप हमारा वीडियो अपलोड है तो वो देख लेना। फलेभ्यो याति में, फल से चतुर्थी करने वाला है, दो बार हो गया, फलेभ्यो याति में फल से चतुर्थी करने वाला कौन है, ठीक है? तो फलेभ्यो याति में फल से चतुर्थी करने वाला, जल्दी से बता दें कौन से सूत्र से यहां पर चतुर्थी हुई है, तो आपको बता दें क्रियार्थो पदस्य चा कर्मणि स्थानिनः, इस सूत्र से यहां पर चतुर्थी विभक्ति हुई है, हुई ना, फलेभ्यो, ऐसे चतुर्थी विभक्ति हो गई है, फलेभ्याति मतलब फल को लाता है ऐसा। तमर्थात् भाव वचना से बेहद विभक्ति है, कई क्वेश्चन कठिन भी है, मैं मान रहा हूं कई दोस्त बोलते हैं सर कठिन आ गया, देखो सरल भी है इस PDF में, कठिन भी है, वो क्रम से है, जैसे विभक्ति चल रही तो विभक्ति के मिलेंगे, फिर इसके बाद वचन चलेंगे तो वचन के, फिर लिंग चलेंगे तो लिंग के, संधि चलेगी संधि के, समास चलेंगे समास के, क्रम से, ये हमने बताया था ना आपको संस्कृत व्याकरण क्रम से सरल भाषा में प्रश्नोत्तर पर आपको चर्चा करनी है तो हमारे प्रश्न प्रतिदिन जो 8:30 बजे मॉर्निंग में कक्षा होती है उसको आप देखते जाइए। तो तमर्थात् भाव वचनात् में बेहद विभक्ति कौन सी है, तो आपको बता दें इसमें बेहद विभक्ति है चतुर्थी, कौन सी है, चतुर्थी। अगला प्रश्न है, इसको वेरी वेरी IMP लगा लेना अभी से, आपको बता दें क्यों है, स्वाहा के योग में प्रयुक्त विभक्ति कौन सी है, कई बार पूछा गया, कई परीक्षाओं में पूछा गया प्रश्न है, तो एक याद रखिएगा नमः स्वस्ति स्वाहा वसट, इन सब की योग में चतुर्थी विभक्ति होती है, कौन सी होती है दोस्तों, चतुर्थी, किस किस में,
नमः, स्वस्ति, स्वाहा, बसठ, इन सब के योग में चतुर्थी विभक्ति होती है। इस बात को हमें याद रखना है। जैसे अपन बोलते ना देवाय नमः, देवाय चतुर्थी हो गई, ठीक है। इस प्रकार से गुरुवे नमः ऐसे बोलते हैं ना, मतलब, और जिनेन्द्राय स्वस्ति, स्वस्ति के योग में भी कौन सी होती है, चतुर्थी होती है, बसठ के योग में भी। तो इन सब में क्या होती है, चतुर्थी विभक्ति होती है, याद रखिएगा, स्वाहा नमः इन सब के योग में। आगे है अपाय अर्थ में ध्रुव की संज्ञा होती है, ठीक है। कौन सी विभक्ति होती है अपाय अर्थ में ध्रुव की संज्ञा, तो आपको बता दें पंचमी में होती है, ठीक है, पंचमी में। आगे देख लिए ग्रामादायाति में ग्राम की अपादान संज्ञा विधायक है। अपादान संज्ञा हुई है यहां पर क्योंकि ग्रामादायाति में इसका अपन तोड़ दें तो ग्रामात और आयाति हो जाएगा, तो ता का हो गया दा व्यंजन संधि से, तो क्या बन गया इसका अपन मिला करके ग्रामात दायति, ये अपन ने देख लिया। तो इसका अपादान संज्ञा हुई तो है ग्रामात में, पंचमी है बिल्कुल अपादान संज्ञा, लेकिन किस सूत्र से हुई वो आपको सूत्र बताना है यहाँ पर, तो आपको बता दें ध्रुव ध्रुवम पाए अपादानम, इससे क्या हुई है अपादान संज्ञा इस सूत्र से हुई है। अगला देखें भयार्थक धातु के प्रयोग में भय के हेतु की संज्ञा है। भयार्थक धातु के प्रयोग में भय का जो हेतु है, जिस कारण से भय हो रहा है, उसकी संज्ञा कौन सी होती है, तो आपको बता दें कि एक सूत्र है उसको याद रखिएगा, पंचमी भयेन, मतलब जब भी कोई भय की बात होगी कि इससे डरता है तो उसमें पंचमी विभक्ति आएगी, ठीक है। जैसे कि इसमें उदाहरण आता है चोरात विभेति, चोरात मतलब चोर से विभेति मतलब डरता है, जिससे डर रहे हैं उसमें पंचमी आएगी, चोर से डर रहे तो चोरात विभेति हो गया। तो भयार्थक धातु के युग में आप पंचमी का जो अपन बोलते हैं तो उसको क्या बोलते हैं अपादान, इसका अर्थ होता है से अलग होने के अर्थ में, कारक चिन्ह होता है से अलग होने के अर्थ में, या भय के अर्थ में भी पंचमी विभक्ति हमेशा प्रयोग होती है, पंचमी भय नाप याद रखना। अगला देखें अध्यपात पराजयते में अध्ययन की अपादान संज्ञा करने वाला है। अध्ययन की अपादान संज्ञा हुई है क्योंकि अध्यपात में कौन सी संधि है यहां पर, सॉरी संधि नहीं, कौन सी विभक्ति यहां पर, पंचमी विभक्ति है तो अपादान है। तो अपादान की से संज्ञा किस सूत्र से यहां पर हुई है आपको वो बताना है, तो आपको बता दें पराजेर सोढ़ा, इस सूत्र से यहां पर अपादान संज्ञा हुई है। आगे और भी आएंगे, विभक्ति हो जाएगी इसका, लिंग वचन कारक के आएंगे, संधि समास सब उपसर्ग प्रत्यय सब के आएंगे। मातुर निलीयते कृष्ण में मातृ की अपादान संज्ञा करने वाला है। मातुर निलीयते कृष्ण में मातृ शब्द की अपादान संज्ञा किससे हुई है, क्योंकि मातुहु आ गया, पंचमी विभक्ति बनता है मातृ शब्द में मातु, तो यहाँ पर पंचमी तो हुई है लेकिन किस सूत्र से हुई है, तो अंतर्धो एना दर्शनम इच्छति, ठीक है, इस सूत्र से हुई है। इनका विस्तार से तो आपको पढ़ना पड़ेगा दोस्तों, हमारी अलग से जो क्लासें हैं उनको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। जायमान के हेतु की संज्ञा है, जायमान के हेतु की संज्ञा कौन सी है, तो जायमान के हेतु की अपादान संज्ञा है। कई लोग तो लगा ही लेते होंगे सर आप अपादान पढ़ा रहे तो वही लगा देते हैं, लेकिन वहां तुक्का मत लगाना, ठीक है, यहां भी नहीं लगाना, पढ़ो अच्छे से। हिम्बतो गंगा प्रभुवती, वेरी वेरी IMP है उदाहरण, कई बार पूछा गया है, मतलब हिम्बतो मतलब हिमालय से गंगा प्रभुवती मतलब गंगा निकलती है, ये पंचमी का प्रमुख उदाहरण है जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है, ठीक है। तो हिम्बता में अपादान विधायक सूत्र है, हिम्बता में कौन सी संज्ञा है अपादान संज्ञा, पंचमी, क्योंकि यहाँ पे हमने बताया था ना से अलग होने के अर्थ में आता है अपादान का जो चिन्ह है कारक चिन्ह, तो हिमालय से गंगा निकलती है मतलब हिमालय वहां से गंगा निकल रही है, ठीक है, इसलिए इससे अलग होने के अर्थ में आता है। तो जैसे वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, एक है वृक्षात पत्राणी पतंती, ये उदाहरण पूछा जाता है, और हिम्बतो गंगा प्रभवती हमेशा याद रखना है, इसमें पंचमी विभक्ति है। अब यहाँ पर
इसका विधायक सूत्र कौन सा है, ये यहाँ पर पूछा गया और हाई लेवल आ गया उससे। तो आपको बता दें कि यहाँ पर विधायक सूत्र होगा भुवाह प्रभवा। कौन सा है विधायक सूत्र? भुवाह प्रभवा। पंचमी विभक्ति है या अपादान कारक है, ऐसे आप समझ सकते हैं। रिते एवं आरात के योग में प्रयुक्त विभक्ति है, रिते आरात के योग में प्रयुक्त विभक्ति। दोस्तों कमेंट में उत्तर तो बताना ही है, साथ में आप ये बता ही रहे हैं कि आप किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। अभी किसी ने ना बताया तो बता दें, वैसे क्वेश्चन लाएंगे। और आप संस्कृत में आपको किस चीज़ में कठिनाई आती है, किसी को संधि में आती, किसी को समास में आती, किसी को विभक्ति में आती, आप किस चीज़ में कठिनाई आती है तो आप वो बताएं, तो उसके हम ट्रिक के साथ वो वीडियो ले आएंगे सरल तरीके से। हमारा उद्देश्य है संस्कृत को सब तक पहुँचाना, लेकिन कैसे? सरल तरीके से। व्यक्ति को कठिन लगेगी तो पढ़ेंगे ही नहीं हमें, इसलिए आप जल्दी से आप कमेंट कर दीजिए कि आपको क्या पढ़ना है, तो वैसे वीडियो आपको मिलते रहेंगे। रिते एवं आरात के योग में प्रयुक्त विभक्ति है, रिते और आरात के योग में आपको बता दें पंचमी विभक्ति प्रयुक्त होती है। किसमें? रिते और आरात में। जाड़यात बद्धा में प्रयुक्त विभक्ति है, जाड़यात बद्धा कई बार पूछा जाता है, तो आपको बता दें विभाषा गुणो स्त्रियम, ठीक है, कौन सी? विभाषा गुण स्त्रियम से विभक्ति हुई है। इसमें महत्वपूर्ण आ गया, पृथक बिना नाना के योग में प्रयुक्त विभक्ति है। तो आपको बता दें कि पृथक बिना और नाना इनके योग में जो विभक्ति होती है पंचमी विभक्ति होती है, ठीक है। बिना के योग में तो और तृतीया भी होती है, लेकिन ये कई विभक्ति ऐसी हैं दो दो तीन तीन में होती। तो अभी जो अपन पंचमी का पढ़ रहे हैं तो पृथक बिना और नाना के योग में कौन सी विभक्ति होती है आपको बता दें, पंचमी विभक्ति होती है, याद रखिएगा इस चीज को, ठीक है, क्योंकि पूछ लिया जाता है। अन्नस्य हेतुर्वसति में षष्ठी विधायक सूत्र है, षष्ठी का आ गया, इसके बाद सप्तमी, इसके बाद अगला क्रम से आएगी पूरी व्याकरण, ठीक है, मिक्स भी है लेकिन क्रम से है बिल्कुल। तो अन्यस्य हेतुर्वसति में षष्ठी विधायक सूत्र है। आपने पिछले वीडियो ना देखे हो क्रम से, टॉप 50 स्टडी सर्च करें और आपको मिल जाएंगे वीडियो, है प्ले लिस्ट में देख लें। तो अन्यस्य हेतुर्वसति में षष्ठी विधायक सूत्र कौन सा है? षष्ठी विभक्ति है, तो इसका षष्ठी विधायक है षष्ठी हेतु प्रयोगे। अन्नस्य शब्द में षष्ठी है कि नहीं? अन्न, हमने राम शब्द के रूप ट्रक से पढ़ाए थे तो क्या बना था? रामस। ऐसे अन्न का क्या बनेगा? अन्नस्य, ठीक है। ऐसे अतसर्थ प्रत्यय के योग में प्रयुक्त विभक्ति है, अतसर्थ प्रत्यय के योग में विभक्ति जो होती है तो आपको बता दें षष्ठी होती है। आगे बढ़ जाते हैं, जगतः कर्ता कृष्णा में जगत से षष्ठी का विधायक है। महत्वपूर्ण है कि जगत के कर्ता, क्योंकि षष्ठी जो होती है उसका का के की क्या है? चिन्ह है, कारक चिन्ह क्या है? का के की, षष्ठी संबंध में होती है ना, अपादान संबंध, संबंध के योग में। तो जगत के कर्ता की आ गया ना, के कर्ता कौन है? कृष्ण है, ऐसा आ गया। तो षष्ठी विधायक सूत्र इसमें कौन सा है? तो आपको बता दें कर्त्री कर्मणो कृति, यहाँ पर कर्ता आ गया ना, और सूत्र में भी है कर्त्री कर्मणो कृति। जब कुछ समझ में नहीं आए तो जैसे इंग्लिश में अपन पहले क्या करते थे बचपन में, कि उसके आ गया भाई निबंध लिखो, तो कई लोग उसमें समरी आती थी गद्यांश पद्यांश, उसी में से टीप करके और निबंध में जोड़ देते थे लाइन, ऐसा करते थे कई लोग जिन पे इंग्लिश अच्छी नहीं आती थी। ऐसी संस्कृत में वो शब्द देख लेते, ये इसमें भी करती है, इसमें भी करता, हाँ भाई यही। तो ये तुक्का हमेशा काम में नहीं आता है, अब अपन बड़े हो गए इसलिए पढ़ना है, ठीक है। फिर भी नब कछू ना बने तो ये तो लगा ही देना भैया, क्या करें। तो कर्त्री कर्मणो कृति, ये तो कर्त्री मतलब कर्ता, तो कर्ता, ठीक है, तो जगता कर्ता, तो कर्त्री कर्मणो कृति का विधायक सूत्र है इसका। आधार की संज्ञा है, आधार की संज्ञा, सूत्र आता है अधिकरणम आधारम, हमने ऐसा बोल दिया या सीधा समझ लो आधारोधिकरणम, मूल सूत्र ही है आधारोधिकरणम, मतलब आधार की अधिकरण संज्ञा है। सूत्र क्या है? आधारोधिकरणम, ठीक है, इतना याद रखिएगा आपके काम में आ जाएगा। कटे आस्ते यह कैसा आधार है? तो आपको बता दें कटे आस्ते यह औपश्लेषिक आधार है। इनके विस्तार से आपको पढ़ना है तो फिर चैनल से आप जुड़ जाइए, अलग अलग हम वीडियो लाते हैं, पढ़ते जाइए। अभिव्यापक अधिकरण है, अभिव्यापक अधिकरण कौन सा है? तो आपको बता दें सर्वस्य सर्वस्यनात्मस्ति, ये क्या है? अभिव्यापक अधिकरण है,
अगला है चरमणी दूपिनम हंति में चरमन में सप्तमी विविधा एक सूत्र कौन सा है, तो आपको बता दें वह है निमित्तात्। ठीक है, ये सूत्र है सप्तमी विधायक। गोसु दह्यमानासु गतः में सप्तमी विधायक सूत्र है। गोसु दुह्यमानासु गतः में सप्तमी विभक्ति होती है, तो इसका विधायक सूत्र कौन सा है, तो आपको बता दें यस्य चाभावेन भाव लक्षणम, यस्य चाभावेन भाव लक्षणम ये है, वह सब होने वाली है विभक्ति। रुदति प्राव्राजीत में सप्तमी विधायक है, इसमें सप्तमी विभक्ति होती है, तो इसको आपको बता दें षष्टी चानादरी ये सप्तमी विधायक है रुदति प्राव्राजीत उदाहरण में। अब आगे देखें, नया चैप्टर शुरू हो गया, ऐसे क्रम से आपको मिलेंगे पूरी संस्कृत व्याकरण कंप्लीट। संस्कृत व्याकरण में वाच्यों की संख्या कितनी है, तो आपको बता दें संस्कृत व्याकरण में जो वाच्य होते हैं कर्तृवाच, कर्मवाच और भाववाच। ठीक है, तीन वाच्य टोटल संस्कृत में होते हैं, याद रखिएगा, इनको विस्तार से ही पढ़ाएंगे। दोस्तों अभी तक यदि आपने सब्सक्राइब ना किया हो तो तुरंत क्लिक कर लेना पहला काम, दूसरा तुरंत एक बार लाइक मार दें वीडियो को, फटाक से लाइक कर दें, इतना काम तो आपको करना है कि लाइक करना है और कम से कम अपने तीन मित्रों को शेयर करना है, आप तीन व्हाट्सएप ग्रुपों में करें या टेलीग्राम में या फिर फेसबुक पे, लेकिन अपने जोड़ना है लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा और संस्कृत की तैयारी को मजबूत बनाना है, जितने ज़्यादा लोग जुड़ेंगे उतने उत्साह के साथ हम और ऐसे वीडियो आपके लिए लाएंगे। ठीक है, तो कर्तृवाच्य में क्रिया किसका बोधन करती है, तो आपको बता दें वाच्य संबंधित प्रश्न आ गए, तो कर्तृवाच्य कर्तृ मतलब कर्ता, अभी हमने बताया था कर्तृ कर्ता, यहाँ देख लो, तो आपको बता दें कर्तृवाच्य में कर्ता की प्रधानता होती है, कर्मवाच्य में कर्म की प्रधानता होती है और भाववाच्य में ना कर्ता की होती है ना कर्म की। ठीक है, वहाँ पर किसी की प्रधानता नहीं होती, कर्तृवाच्य में कर्ता की, कर्मवाच्य में कर्म की, कर्ति पूछा तो कर्ता इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, वीडियो को तुरंत लाइक कर दें, हमें उम्मीद है कि ऐसे प्रश्न आप तक निरंतर लाएंगे, और जो मैंने बोला था कि कमेंट जरूर करें कि आपको संस्कृत में कौन सा विषय पढ़ना है या जो हम पढ़ाते हैं उससे संबंधित कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट करते जाएं, और वीडियो को लाइक और शेयर आप जरूर करेंगे और ऐसे ही जुड़े रहेंगे, तैयारी को मजबूत करेंगे। चलिए पुनः मुलाकात अपन करते हैं कल और आगे बढ़ते हैं। जय हिंद।